से आज इस कार्यक्रम में आए हुए माननीय विशिष्ट अतिथियों का और आप सभी दोस्तों का दिल की गहराइयों से स्वागत मैं अभिनंदन करती हूँ। ये हेल्पेज इंडिया की तरफ से कार्यक्रम जो है ऑर्गेनाइज किया गया है और इसमें हमने कुछ स्कूलों को इन्वॉल्व किया है और यहाँ पर हमने उधमपुर ओल्ड एज होम में हम आए हैं आज। तो एक्चुअली जो ये है कि यूएन इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन ये हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस साल हम एक ख़ास थीम लेके चल रहे हैं। जैसे आपने देखा बिल्ड बैक एंड बेटर फॉर एल्डरली, क्योंकि पोस्ट कोविड के बाद जो भी सिचुएशंस आई हैं, जो हमारी मैक्सिमम एल्डरली जन जो हमारे एल्डर्स हैं उन पर इफ़ेक्ट कर रही है, तो उसके लिए काम हो रहा है। तो ये हमने हेल्पेज इंडिया ने नेशनली एक कैंपेन स्टार्ट किया है कि हम इन तीन जो जिसमें जो कैंपेन में तीन मेन इशू जिस पर फोकस किया जाएगा, हेल्थ, इनकम एंड एनवायरमेंट। हेल्थ मीन्स कि हमने हेल्पेज ने जो कैंपेन में पहला इशू लिया है कि जो भी वैक्सीनेशन ड्राइव है उसमें हम एल्डर्स का, क्योंकि जो फर्स्ट डोज है दैट इज़ नॉट मतलब कैपेबल कवर ऑल द रिस्क्स, तो इसलिए हेल्पेज का ये है कि हमने साथ साथ अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करके पूरे अपने देश में हम चला रहे हैं कि हम उनको जो सेंट्रली जो वैक्सीनेशन ड्राइव चल रहा है उसको हेल्पेज इंडिया सपोर्ट कर रही है और उसमें हम जैसे एल्डर्स को लाना है जो लोग आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन है कि दोनों डोज 100% हो जाए। पोध्या पब्लिक स्कूल प्रिंसिपल बात कर रही हूँ। मैं सबसे पहले हेल्पेज इंडिया का थैंक यू बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। मैं नीरू शर्मा जी का जो सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर हैं उनका थैंक यू करना चाहूँगी जिन्होंने मेरे स्कूल को ये मौका दिया और हम लोग आज कल्चरल आइटम लेके आए हैं जो आज ओकेजन है 1 अक्टूबर ओल्डर्स डे का। और मैं युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि अपने बुज़ुर्गों का बड़ों का बहुत आदर सम्मान करें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको इतना प्यार दें कि उनका जो बहुत मुश्किल समय है वो बहुत बढ़िया निकले, उनको इतना प्यार दें। मेरी बस यही दुआ है। थैंक यू सो मच।